हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लास नंबर 11, चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसमें से 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट 3 कौन सी, तो के मास, लेंथ एंड टाइम, उसका मेजरमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर करना है। तो फर्स्ट हमने लेंथ का मेजरमेंट देखा, ओके। अभी जो हम मेजरमेंट देखेंगे वो मास का मेजरमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या होता है स्टूडेंट, वो आपको पता होना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि मास और वेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ओके। चैप्टर था ग्रेविटेशनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या होता है, तो क्या मास कोई भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो एटमोस्फियर से या तो सराउंडिंग के जो भी टेम्परेचर है, ओके, उससे वो चेंज नहीं होती है, ओके। प्रेशर हो, डेंसी प्रेशर दो उसको या तो टेम्परेचर दो, तो वो मास चेंज नहीं होगा। मास इंटरनल प्रॉपर्टी है और वो चेंज नहीं होती है, ओके। मतलब में कोई बॉडी के अंदर कितना मैटर कंसिस्ट हुआ है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो मास हमें पता है, मास का जो मेजरमेंट करना हो, मास डिफरेंट डिफरेंट कोई भी लोकेशन के अर्थ के ऊपर या तो अर्थ के बाहर भी, वो चेंज नहीं होगा, ओके, वो सेम रहेगा। तो उस मास का मेजरमेंट करना है हमें। या तो वेट की बात करें, तो वेट क्या है, तो कि वेट वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, ओके। ग्रेविटेशनल जो पुल लग रहा हो कोई बॉडी के ऊपर, तो उसको हम बोलते थे वेट। और वेट का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, W=mg, एम मास और उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसको हम क्या बोले थे स्टूडेंट, वेट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मास के बारे में, मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे और मास की रेंज क्या होगी, ओके, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ मास की बात करें, तो पहले के टाइम पे, ओके, पहले के टाइम पे जो मास का मेजरमेंट होता था वो सिंपल बैलेंस से होता था। आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा कि सिंपल बैलेंस का यूज़, ओके, सिंपल बैलेंस अभी भी यूज़ हो रहे हैं। पहले के ज़माने में भी सिंपल बैलेंस से मेजरमेंट करते थे मास का, ओके। तो मास का जो यूनिट है वो केजी है। और आप सिंपल बैलेंस की बात करें, तो हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मान लो कि कोई हम ग्रोसरी की शॉप में गए या तो फिर फूड मटेरियल लेने गए, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, तो सिंपल कोई एक दूसरे एक सब्सटेंस लेते हैं या तो कोई एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसके कंपैरिजन से आप मास का मेजरमेंट करते हो, जो सिंपल बैलेंस में आता है। और बैलेंस के अंदर बात करें सिंपल बैलेंस में, तो एक फिजिकल बैलेंस और एक केमिकल बैलेंस आता है जो कंपेरिजन से निकाला जाता है। और हमें यहाँ पे मास का मेजरमेंट करना हो, तो मास के मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वो स्टैंडर्ड है, वो एक हम लेते हैं स्लैब, ओके, स्लैब लेते हैं जो मेटेलिक स्लैब होता है, उससे हम उसका कंपेरिजन करके निकालते हैं, ओके। तो ये एक मेथड थी। फिर स्प्रिंग बैलेंस भी आप लोगों ने देखा होगा, ओके स्टूडेंट। तो ये तो सब के साथ तो के नॉन होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, कि जिसको आप इजीली ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उसका डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हो, वो सिंपल बैलेंस से आप मेजरमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी की आइटम हो या तो फिर फूड मटेरियल हो, तो उसको आप क्या करोगे, ये फिजिकल बैलेंस या तो केमिकल बैलेंस से मेजरमेंट कर सकते हो, मतलब सिंपल बैलेंस से आप मेजरमेंट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। लेकिन जो चीज़ इनविजिबल हो, फॉर एग्जाम्पल एटम्स की बात करें, तो एटम्स किसका बना है, तो एटम्स बना है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब एटॉमिक लेवल पे हमें मेजरमेंट करना हो, तो हम क्या ये सिंपल बैलेंस का यूज़ करेंगे, नहीं, क्योंकि सिंपल बैलेंस में तो आप पहले तो एटम्स को देख ही नहीं सकते, तो उसको मेजरमेंट तो दूर की बात होगी, उसका मास की मेजरमेंट। तो वैसे मेजरमेंट करना हो आपको, मतलब में जो इनविजिबल सब्सटेंस है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, और तो उनका मेजरमेंट करना हो आपको, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए एक स्पेक्ट्रोस्कोपी करके, ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक मेथड है, ओके, एक टेक्निक है जिसका यूज़ हमें करना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से आप इजीली क्या कर सकते हो, तो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल का मेजरमेंट कर सकते हो। और जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक इम्पोर्टेंट और वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम मास मेजर करते हैं न्यूक्लियर लेवल पे, ओके, एटॉमिक लेवल पे, ओके स्टूडेंट। उसके बाद भी आपको और ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करना हो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, तो आप एटम्स का मास और न्यूक्लियस का मास जो वेरी स्मॉल है उसका मेजरमेंट करना हो, तो आपको एक न्यू यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसका नाम है AMU, एटॉमिक या तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, या तो एटॉमिक मास यूनिट भी बोला जाता है, और उसका फुल फॉर्म है AMU का, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ओके, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियस लेवल का मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके। और 1 AMU क्या होता है, तो वो 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन C6H12 का आइसोटोप है, जो अनएक्साइटेड स्टेट में होता है, उसके मास के कंपेरिजन से हम क्या करते हैं,
वो दूसरे कोई न्यूक्लियस या एटम का मास निकालते हैं। ओके, वन ई एम की जो वैल्यू है, वन ए एम यू की, वो होती है 1.66 × 10⁻²⁷ kg, और वही मास होता है किसका, प्रोटॉन का, और वो अप्रॉक्सीमेट मास होता है न्यूट्रॉन का। तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास में इतना डिटेल्स में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी आप इतना सब लिख सकते हो। और मास का जो मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो केजी, ओके, ग्राम, ओके, ऐसे मेजरमेंट के लिए हम यूनिट्स लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कुछ फूड मटेरियल लेने जाना हो तो आप वहाँ पे केजी ग्राम में मेजरमेंट करोगे। ओके, आपको कुछ गोल्ड लेने जाना हो तो आप उसको ग्राम में मेजर करोगे, या तो आपका मेडिसिन लेने जाना हो तो आप मिलीग्राम में मेजरमेंट करोगे। मतलब जैसे जैसे आप मटेरियल लेने जाओगे उसके अकॉर्डिंग उसके यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। ओके, तो मास का मेजरमेंट हमने देखा विजिबल के लिए और इनविजिबल के लिए। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस आप लोगों ने देखा ही है। ओके, तो ये था अपना मास का मेजरमेंट, और अब इसकी रेंज देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो, उसके बाद हम मास का रेंज देखेंगे कि मास कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ओके स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ मास के बाद मास का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा वो हम देखते हैं। तो हम स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्मॉल ऑब्जेक्ट में सबसे स्मॉलेस्ट हम बात करें तो हमारा कोई जो मैटर है, मान लो कि ये हमारा मार्कर की बात कर रहे हैं, ये मार्कर किसका बना है, तो कि मैटर का बना है, प्लास्टिक के मैटर से। मैटर किसका बना है, तो मॉलिक्यूल्स का बना है। मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं, तो कि नंबर ऑफ एटम्स से बने हैं। एटम्स किसके बने हैं, तो कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अभी तक की जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, अभी तक का जो हमारा मेजरमेंट है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन सा है, तो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁻³ kg। आपके टेक्स्ट बुक में शायद दिया होगा 30 kg, 10⁻³० ओके, -30 kg जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया होगा आपको 10⁻³० kg। क्यों ऐसा दिया है, तो देखो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 × 10⁻³ kg। अब ये 9 को राउंड ऑफ करूँ तो 10 लिख सकता हूँ, तो 10 × 10⁻³ kg। तो यहाँ पे ऑर्डर के फॉर्म में लिखना हो तो -30 kg लिख सकता हूँ। तो आपकी टेक्स्ट बुक में पावर के टर्म में दिया है, एक ऑर्डर के टर्म में दिया है, जो 10th की पावर दी है उसको हम ऑर्डर के टर्म में बोलते हैं। तो वो ऑर्डर के टर्म में आपको गिवन है, वो कितना दिया, तो 30 दिया। तो आप 31 या तो 30 दोनों लिख सकते हो, लेकिन उसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो कितना होता है, -31 kg। ओके, -31 ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, माइनस है पावर में। ओके, फिर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 10⁻²⁷ होता है। फिर यूरेनियम एटम होता है, यूरेनियम एटम का जो मास होता है वो 25 ऑर्डर का होता है, 10⁻²⁵ ऑर्डर का। फिर हमारे जो ब्लड के सेल होते हैं उसमें रेड सेल है, तो रेड सेल का जो मास होता है वो -10⁻³⁲ kg। ओके, फिर डस्ट पार्टिकल है उसका जो मास होता है वो 10⁻⁹ kg। फिर रेन ड्रॉप होता है वो भी कितना होता है, तो 10⁻⁶ kg के ऑर्डर का। और ग्रेप होते हैं उसकी भी जो मास होता है वो 10⁻³ kg के ऑर्डर का होता है। ये तो स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात की, अभी ऐसे ही हम बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें, उसका मास की बात करें, तो जो हमारी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो वो 10⁻²+2 kg। ओके, 10⁻², मतलब मैं 100 kg के अंदर ही होगा, 100 kg सभी का नहीं पॉसिबल है, लेकिन 100 kg के अंदर आ सकते हैं। ओके, फिर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल मतलब जो व्हीकल्स हैं हमारे, वो 1000 के ऑर्डर के होते हैं, मतलब 10⁻³ kg। ओके, फिर एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट 10⁻⁸ kg के होते हैं, बोइंग एयरक्राफ्ट, ओके, बड़े वाले। फिर मून का जो मास होता है वो 10⁻²³ kg के ऑर्डर का। फिर अर्थ का मास है वो 10⁻²⁵ kg के ऑर्डर का। फिर सन का मास है उससे भी ज़्यादा, 10⁻³+30 kg के ऑर्डर का। ओके, मिल्की वे है, तो मिल्की वे का जो मास होता है पूरे मिल्की वे का, वो होता है 10⁻⁴+41 kg के ऑर्डर का। और यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी मास की बात करें तो वो होता है 10⁻⁵ kg के ऑर्डर का। ओके, तो ये मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है, -31। तो एग्ज़ाम में कभी आपको रेशियो पूछ ले कि रेशियो कैसा, तो कि आपको बोला जाए कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम मास इन यूनिवर्स, तो वो क्या होगा, तो चलो वो निकालते, वो वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट, तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट
मैक्सिमम मास टू मिनिमम मास बोला, तो यहाँ पे मैक्सिमम मास डिवाइडेड बाय मिनिमम मास, तो मैक्सिमम मास कितना गिवन है हमें, तो मैक्सिमम है मास 10^55 केजी के ऑर्डर का और मिनिमम है 10^-31 केजी जो इलेक्ट्रॉन का। सिंप्लीफाई करें, ये तो केजी केजी यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है, तो रेशियो आपका कुछ ऐसा आएगा 10^55। ओके, ये पावर डिनोमीटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो 31, तो दोनों सेम बेस होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है, तो हम लिख सकते हैं 55+31, तो आपका आंसर आएगा 10^86। ओके, मतलब में जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है मास का वो आपका 86 के ऑर्डर का आएगा। तो ये कुछ रेंज थी जो आपको यूज़फुल हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, तो फर्स्ट नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लो रेंज ऑफ मास।